हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं फिर से आज एक मज़ेदार गणित का पहेली आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इस पहेली को आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर मज़ा लेना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो पसंद पड़ेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो डिसलाइक का भी बटन नीचे दिया गया है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए पहेली कुछ इस प्रकार है। होता क्या है, तीन लड़के हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी और तीसरा का नाम है सी। तीन लड़के हैं ए बी सी, तीनों जाते हैं होटल खाना खाने के लिए। अब जब खाना खा लेते हैं तब इन लोग का जो बिल है वो आता है 25 रुपये का। कितना का आता है, 25 रुपये का। तब इन लोग करते क्या है, 10-10 रुपया ये तीनों मिलाते हैं। 10 रुपया ए मिलाता है, 10 रुपया बी मिलाता है और 10 रुपया सी मिलाता है। जब तीनों 10-10 रुपया मिला लेते हैं तो हो जाता है कितना, 30 रुपया। अब जब 30 रुपया हो गया तब वहाँ देना कितना है, 25 रुपया देना है। तब ये तीनों जो हैं एक वेटर को पकड़ा देते हैं पैसा, बोलते हैं मैनेजर से कटवा करके 5 रुपया लेते आओ। तब वेटर जो है 5 रुपया मैनेजर से पैसा कटवा करके ले आता है और इन लोग को देने के लिए जाता है। तो इन लोग कहता है ए बी सी कि 2 रुपये तुम टिप्स के रूप में रख लो और 3 रुपया हम लोग को दे दो। तब जब इन लोग को 1 रुपया लौटा दिया जाता है, वेटर दे देता है इन लोग को 1-1 रुपया, तब इन लोग सोचता है कि भाई जब 1 रुपया लौट गया है इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, यानी कि हम लोग 9 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया, यानी 9-9 रुपया मिलाए हैं। इसका मतलब यही हुआ, 10-10 रुपये शुरू में मिलाया था, 1-1 रुपया लौट गया। तो इन लोग सोचा कि भाई इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग 9-9 रुपये मिलाएँ। इन लोग बाद में हिसाब करने लगा। तब जब 9-9 रुपया मिलाया तीनों तो 9 3 कितना हो गया, 27। इन लोग हिसाब कर रहा है, अपने से कर रहा है कि 9 3 27 हुआ। अब वेटर को टिप्स कितना दिए हैं, 2 रुपया, तो 2 रुपया उसमें ऐड करेंगे तो 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया, 27 और 2 29। तो यहाँ पर 30 नहीं आना चाहिए था, तो 1 रुपया यहाँ कैसे गायब हुआ, कहाँ गया 1 रुपया, नहीं समझ आया। देखिए यहाँ पर 30 रुपया ये जो तीनों मिलाया है, अब जब वेटर को देता है और वेटर जाता है मैनेजर के पास, मैनेजर 5 रुपया इन लोग को लौटा देता है, वेटर को दे देता है। अब वेटर इन लोग के पास आता है और इन लोग का क्या करता है कि 5 रुपया में 3 रुपया रख लेता है और 2 रुपया टिप्स के रूप में उसको दे देता है। तो 3 रुपया जब ले लेता है इसका मतलब कि 10 रुपये में 1 रुपया घट जाएगा, यानी 9 रुपया ए मिलाया है, 9 रुपया बी मिलाया है और 9 रुपया सी मिलाया है। तो 9 3 कितना हुआ, 27, और वेटर को कितना दिया गया था, 2 रुपये दिया गया था, तो 27 और 2 कितना हुआ, 29 हुआ। आना चाहिए 30, क्योंकि इन लोग मिलाया कितना है, 30 रुपये मिलाया है। कैलकुलेशन करने में 30 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप ही दुकान जाइएगा, 10 रुपये का साबुन लिए, 10 रुपये का सर्फ लिए, 10 रुपये का एक कॉपी लिए, 10 रुपये का एक पेन ले लिए, तो 40 रुपया जब कैलकुलेशन करेंगे तो 40 रुपये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही हाल है, जब अंत में अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेट होकर के 30 रुपये आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 रुपया कहाँ गायब हुआ ये आपको बताना है। अगर समझ में पहली आ गया है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सोचिए कि 1 रुपया गया कहाँ पर है। अब हुआ क्या, इन लोग तीनों में हंगामा मच गया कि भाई ये कैसे हुआ, 9-9 रुपये मिलाए हम लोग, 27 रुपया हुआ, 2 रुपये वेटर लिया तो कितना हो गया, 29 हुआ, 1 रुपया कहाँ गया। फिर इन लोग सोचने लगा कि भाई 5 रुपया लौटेगा, जब 25 रुपये का बिल बना है तो 5 रुपये लौटेगा जब हम 30 रुपये देंगे मैनेजर को। 5 रुपया लौटा, 2 रुपया दिया वेटर को और 3 रुपया मिला जो इन लोग को मिला था, 1-1 रुपया लौटा लिया, तो 9-9 रुपये मिलाया है, 9 3 27 और 2 रुपये वेटर को दिया था, 29। बार बार इन लोग हिसाब कर रहा है लेकिन फिर भी 30 रुपया नहीं जुट पा रहा है, बहुत खलबली इन लोगों में मच गया। 2-3-4 दिन भी बीत गया लेकिन इन लोग तीनों दिमाग नहीं लड़ा पाया, प्रेक्षण भी प्रैक्टिकली भी करने लगा लेकिन फिर भी ऐसा दिमाग में होता है कभी कभी कि छोटा छोटा चीज़ जो है बहुत दिन बाद समझ में आता है कि नहीं। जैसे आप छोटा गलती आप आज कर दिए, आपको पता नहीं चला कि आज क्या गलती की है, आपको हो सकता है कल महसूस हो उस चीज़ का या परसों महसूस हो, ऐसा कभी कभी होता है। तो इसी तरह इन लोग के साथ भी घटना घटित हुआ, तो इन लोग तो बाद में जान गया लेकिन आप अगर पॉज किए हैं, पॉज करके अगर सोच रहे हैं तो सोचिए थोड़ा थोड़ा सा, 1-2 मिनट टाइम लीजिए, या तो फिर अगर पहली आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाइए और फिर से पहली को समझिए, 1 रुपया यहाँ कहाँ गया है ये आप सोचने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपका दिमाग विकास करेगा, अदरवाइज बनाना क्वेश्चन तो आम बात है लेकिन आप सोचते कितना है ये मैथमेटिक्स आपको फंसाने का हमेशा प्रयास करता है। देखिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कि 1 रुपया गया कहाँ पर है। देखिए होता क्या है,
जो इन लोग 9-9 रुपया मिलाया है, 9 रुपया ए मिलाया है, 9 रुपया बी मिलाया है और 9 रुपया सी मिलाया है, जो 9-9 27 रुपया जो यहाँ पर आ रहा है, इसमें क्या है कि 25 रुपया जो होटल में खाना खाया था 25 रुपया का बिल और 2 रुपया जो वेटर का दिया था, ये दोनों चीज शामिल होकर के यहाँ पर 27 रुपया लिखा गया है। तो फिर से आप 2 रुपया वेटर का क्यों जोड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात, 2 रुपया यहाँ वेटर वाला नहीं जुटेगा। फिर से समझिए, 25 रुपया होटल में लगा खाना का, अब 2 रुपया वेटर को दिया, तब ना 27 रुपया हुआ, क्योंकि 9 या इन लोग जो 27 रुपया मिलाया है वो 25 रुपया होटल के खाने में गया और 2 रुपया वेटर को दिया, तब कुल मिला करके 27 रुपया हुआ। समझे ध्यान से, ठीक है? तो यहाँ पर 27 रुपया वेटर का और खाना का दोनों चीज जुट गया। फिर से आप वेटर वाला जोड़ रहे हैं, तब 29 नहीं आएगा तो कितना आएगा? यहाँ वेटर वाला नहीं जुटेगा, 2 नहीं जुटेगा, यहाँ पर जुटेगा 3। बोलेगा ये कैसे? ये 3 रुपया जो ये तीनों को लौटाया गया था, ये चीज यहाँ पर जुटेगा, है कि नहीं? तब 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप भी दिमाग लगा सकते हैं, ये कोई भारी चीज नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये भारी चीज नहीं है, अभी आपको आभास हुआ होगा, है कि नहीं? अब कुछ कुछ लोग तो पहले ही इसका जवाब दे दिए होंगे या सोचे होंगे कि भाई पहली बहुत ही ईजी है, वीडियो पॉज करके चले गए होंगे दूसरा वीडियो देखने के लिए। खैर, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो इन लोग 9 या 27 रुपये मिलाया है भाई, उसमें होटल का भी जो खाना था उसका भी था और 2 रुपया जो टिप्स दिया था वेटर को वो भी शामिल था, तो 9-27 रुपया हो रहा था। तो यहाँ पर 2 रुपया ना जुट करके कितना जुटेगा? 3 रुपया जुटेगा। ओके, 3 रुपया जुटेगा, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यही था पहली। कैसा लगा? हम तो बोल ही चुके हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।